की शादी में भी नहीं हुआ था। दादाजी इतने दीवाने तो शिव की बारात में भी नहीं दिखे थे। और दादी सा इतनी शिद्दत से तो अब तक कभी नहीं नाची थी। जरा बताइए तो दादी सा की हवेली में ये क्या चल रहा है? अजी हम बताते हैं, ये ना तो किसी की शादी का संगीत है और ना ही किसी बारात का धमाल, ये तो आनंदी की विदाई का जश्न है जो किसी शादी के जश्न की तरह दिख रहा है। ये गांव वालों का प्यार है जो हम लोग को इस तरह से रुखसत कर रहे हैं, बिकॉज मेरी जो पोस्टिंग हुई है उदयपुर और हम दोनों यहाँ से जा रहे हैं, आनंदी जो जैतसर की बेटी है तो उसके प्यार में और हमारे सम्मान में उन लोगों ने ये। कलेक्टर साहब का ट्रांसफर अब उदयपुर हो गया है, जाहिर सी बात है अब आनंदी को भी अपने शिव के साथ उदयपुर जाना पड़ेगा। मगर ये सब इतना आसान कहाँ है? जैतसर की रानी अपने जैतसर से जुदा कैसे हो जाए? इसीलिए तो इस जश्न में आनंदी के आंसू रुक ही नहीं पा रहे। डिसाइड करती हूँ कि उनके सामने नहीं रोऊंगी, फिर भी बातें करते हुए रोना आ ही जाता है। इतने साल यहाँ पे गुजारे हैं, इतना प्यार मिला है सबसे, पूरे परिवार से, दादी सा, बापू सा, माँ, ताया सा, ताऊ जी सबसे। आंसू सिर्फ आनंदी की आंखों में ही नहीं, दादी सा, दादाजी, वसंत, भैरव सा, सुमित्रा, सब की आंखें नम है। मगर नाच गा कर ये सब आनंदी का हौसला बढ़ा रहे हैं। दादी सा अपने दर्द को छुपा कर ऐसे ऐसे ठुमके लगा रही हैं कि बस पूछिए ही मत। बचाने का अंदाज देखकर तो शिव बाबू भी हैरान है। दद्दू ढोल बजाते हैं, दद्दू को तो ढोल बजाने की आदत है और बहुत अच्छा ढोल बजाते हैं दद्दू। दादी साथ में जो डांस कर रही थी, आई थिंक इट वाज ब्यूटीफुल। यानी सीरियल बालिका वधू में आनंदी अब नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही है।